पाक भारत कशीदगी की तजारती तालुकात खत्म, इंडस्ट्री के लिए बरामद होने वाला खाम माल बंद। भारत को अब पाकिस्तान से सीमेंट, जिप्सम, क्लिंकर नहीं मिलेगा। सस्ते नमक की मौजें भी अब खत्म हो जाएंगी। पाकिस्तान भारत से कोई भी काबिले जिक्र अशिया नहीं खरीदेगा। पाकिस्तानी मंडियों में भारतीय सब्जियां भी ना होने के बराबर। वजारत रेलवे का समझौता एक्सप्रेस भी मनसूख करने पर गौर। समझौता एक्सप्रेस सर्विस को आरजी तौर पर बंद किया जाएगा। चलते फिरते बम, गैस सिलेंडर्स अब खत्म कर दिए जाएंगे। बढ़ते हुए मोहल्ले हादसात रोकने का बड़ा फैसला। मुसाफिर गाड़ियों में गैस सिलेंडर्स का इस्तेमाल ममनू करार। 25 अगस्त के बाद मुसाफिर गाड़ियों में गैस सिलेंडर के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद होगी। एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा और मोटरवे पुलिस ने ट्रांसपोर्टर्स को आगाह कर दिया। लारी अड्डा में रोड सेफ्टी के हवाले से सेमिनार, रोड सेफ्टी पर अमल से जिंदगियाँ महफूज होती हैं। शुरुका को ब्रीफिंग। शहरे लाहौर में 80% पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सिलेंडर इस्तेमाल का इंकशाफ। 5500 रिक्शों में सीएनजी और एलपीजी सिलेंडर नस्ब होते हैं। 3000 मोटर कैब और टैक्सी में सिलेंडर का इस्तेमाल होता है। 3 लाख टोयोटा हाईएस वैगन्स में भी सिलेंडर। 5000 कोस्टर्स और 7000 सुजुकी वैन्स गैस सिलेंडर्स पर चल रही हैं। सीएनजी पर चलने वाली कमर्शियल गाड़ियों पर पाबंदी कबूल नहीं। एलपीजी रिक्शा यूनियन और सीएनजी एसोसिएशन का सख्त रद्द अमल सामने आ गया। चेयरमैन एलपीजी एसोसिएशन इरफान खोकर कहते हैं कि नाकिस मियार के सिलेंडर बनाने वाले कारखानों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। सदर ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन गयास पराचा ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करना ज्यादती है। सदर रिक्शा यूनियन मजीद गौरी ने कहा कि सेफ्टी की आड़ में लाखों रिक्शा ड्राइवर्स के मौशी कत्ल की इजाजत नहीं दी जाएगी। शहर में बड़ा खतरा बरकरार। 4 मकामात पर पोलियो वायरस की तस्दीक। मुल्तान रोड और आउटफॉल रोड में पोलियो वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ। रवां साल शहर में अब तक पोलियो के 4 केसेस सामने आ चुके। सीईओ हेल्थ का मुख्तलिफ बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन का दौरा। कतरे पिलाने वाली टीमों को चेक किया। जिला इंतजामिया ने तमाम लारी अड्डों पर पोलियो के ट्रांजिट प्वाइंट कायम कर दिए। डेरा इस्माइल खान और बनू से आने वाली गाड़ियों की चेकिंग। वसाइल खर्च होने के बावजूद डेंगू के मरीजों में इजाफा तश्वीशनाक है। तमाम इदारे संजीदगी से डेंगू पर काबू पाने के लिए इकदाम करें। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जासमिन राशिद की गुफ्तगू। डेंगू की रोकथाम से मुतालिक इजलास। सेक्रेटरी सेहत के इंसदादे डेंगू मुहिम के बारे में ब्रीफिंग। सरकारी अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात की सहूलत मौजूद है। सूबाई वजीर। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, सब यकजुबान। शहर में रैलियां और मुजाहरे, कश्मीरियों से इजहार यकजहती किया गया। जामिया नईमिया के जेर एहतमाम कश्मीरियों से इजहार यकजहती और इस्तेहकाम पाकिस्तान रैली का इनेकाद। असातजा और तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। भारतीय मुजालिम के खिलाफ शदीद नारेबाजी। लिबर्टी मार्केट में यूथ की मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से भी रैली। डॉक्टर्स भी सिविल सोसाइटी के शाना बशाना रहे। जिना अस्पताल में वाईडीए के जेर एहतमाम रैली। गार्डन टाउन में सीएफए कॉलेज की भी रैली। एजाज चौधरी, सातिया सुहेल राणा, असातजा और तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। पंजाब यूनिवर्सिटी वर्कर्स एसोसिएशन की कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ वॉक। यूनिवर्सिटी मुलाजमीन की बड़ी तादाद में शिरकत। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के तलबा भी प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज। भारत मुखालिफ नारे लगाए। कश्मीरियों से इजहार यकजहती। इस्लामी जमीयत तलबा के जेर एहतमाम मोटरसाइकिल रैली। नासिरबाग से वाघा बॉर्डर तक रैली में तलबा की भरपूर शिरकत रही। कश्मीर हमारी शहरग है, हर महाज पर कश्मीरी भाइयों के साथ हैं, तलबा का अज़्म।
भारत नहित्ते कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा है, पाकिस्तानी कौम और हुकूमत कश्मीरियों के शाना बशाना खड़े हैं। पुलवामा वाकये के बाद नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को तन्हा करना चाहता था, गवर्नर पंजाब का तकरीब से खिताब। दरीना दुश्मनी ने दूसरा लखते जिगर भी छीन लिया, सैदपुर में दिन दहाड़े मोटरसाइकिल सवारों ने गोलियां बरसा दी, फायरिंग से 50 साल नई मौका पर दम तोड़ गया। फायरिंग करने वाले मुलजिम ने बुरका पहन रखा था, अहले खाना गम से निढाल हो गए, पहले भी जवां साला बेटे को कत्ल कर दिया गया। वालदा का कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा, पुलिस और फॉरेंसिक टीमों ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए, जल्द मुलजिमान तक पहुँच जाएंगे, SP सदर की गुफ्तगू। दरीना दुश्मनी का मामला, बाटापुर का रिहायशी खानदान पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज, दुश्मनी की वजह से घर छोड़ने पर मजबूर हो गए, अदालती हुक्म के बावजूद पुलिस तहफ्फुज़ फराहम नहीं कर रही, मुजाहिरीन का इल्जाम। कुर्बा में चंद रोज बाकी, मंडियां कुर्बानी के जानवरों से भर गईं, मवेशी मंडियों में हर तरफ जानवर मगर खरीदार ना होने के बराबर, खरीदारों और व्यापारियों के दरमियान मिर्खों पर बहसों तकरार, सगिया मंडी में चुन्नू मुन्नू की धूम, मालिक ने जोड़ी की कीमत 5 लाख रुपए मांग ली। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी, शोभी सितारों को भी मनपसंद जानवरों की तलाश, मॉडल मुस्कान और लाइबा को बादशाह बबलू और जेम्स बॉन्ड पसंद आ गए, मॉडल्स की मनपसंद जानवरों के साथ सेल्फियां। ईद-उल-अज़हा पर शहरे गुल में अरके गुलाब का स्प्रे होगा, सफाई कंपनी का बड़ी ईद पर बड़ा प्लान तैयार, 600 किलोमीटर तक इलाके में अरके गुलाब का स्प्रे होगा, ताफुन की बजाय फजाएं खुशबुओं से मुअत्तर होंगी, MD LWMC अजमल भट्टी का दावा, कहते हैं कि ईद पर बारिश रहमत होगी, तमाम आलाइशें धुल जाएंगी, अंदरून शहर सफाई के लिए भी जामे प्लान तश्कील दे दिया गया। शहर में कसीर मंजिला इमारतों की तामीर का मामला, कवानीन में तब्दीली के लिए शहरियों की तजावीज़ का खैर मकदम, BC और DGLDA की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ, स्टेक होल्डर्स को आगाह कर दिया गया। पंजाब के क्लीन एंड ग्रीन पंजाब मुहिम, पोलो ग्राउंड जलानी पार्क में शजरकारी की तकरीब, सूबाई वजीरे खजाना हाशिम जमाबक ने पौधा लगाया, सरसब्ज पाकिस्तान का ख्वाब पूरा करेंगे, अच्छे कामों के लिए फंड्स कभी कम नहीं पड़ते, फंड्स की किल्लत के बावजूद 9 नए अस्पताल बनाए जा रहे हैं। साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर मंसूर अख्तर और एक भारतीय फिक्सर की उमर अकमल को मैच फिक्सिंग की ऑफर, कौमी क्रिकेटर ने साफ इनकार करते हुए PCB इंतजामिया को आगाह कर दिया, इंतजामिया की तमाम क्रिकेटर्स को दोनों फिक्सर से दूर रहने की हदायत। चेयरपर्सन बैतुल माल कनीस फातिमा का जिना अस्पताल का दौरा, सीढ़ियों से गिरकर जख्मी होने वाली बेसहारा बच्ची की आदत की, बोली बेसहारा बच्चों को मदद फराहम करना हमारा फर्ज है, बेहतरीन तिब्बी सहूलियात के लिए हर मुमकिन तआवुन करेंगे। जश्न आजादी के हवाले से अल्हम्ब्रा हॉल में फन मुसव्वरी के मुकाबले, नौजवान मुसव्वरों ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना के पोर्ट्रेट बनाए, देखने वालों ने कारीगरों की महारत को खूब सराहा। वतन से मोहब्बत का इजहार, यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने सजाया रंगारंग मिली नगमों का मेला, सूबाई वजीर मजहबी अमूर सैयद सैदुल हसन शाह की खसूसी शिरकत, साबिक हुकूमतों ने मुल्क और कौम को यकजा नहीं किया, आज मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है, सूबाई वजीर का खिताब। हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, जश्न आजादी भरपूर अंदाज में मनाने का अजम, बच्चे और बड़े सभी तैयारियों में मगन, मार्केट्स और बाजारों में सब्ज हिलाली परचमों की बहार आ गई, बैजेस और झंडियों का खरीदारी के लिए भी रश बढ़ने लगा, स्कूल्स और कॉलेजेस में जश्न आजादी से मुतालिक रंगारंग प्रोग्राम तरतीब देने का प्लान।